हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप सिर्फ एक सेफ्टी पिन की हेल्प से अपनी डेली वेयर की साड़ी को परफेक्टली एंड टाइट फिटिंग वेयर कर सकती हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, हमने अपनी साड़ी ले ली है। इस साड़ी का फैब्रिक जो है ना वो क्रेप सिल्क का है एंड ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है। तो हमेशा की तरह हम अपनी साड़ी के एंड सिरे से यानी नॉन पल्लू साइड से ड्रैपिंग को स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, ये वाला पोर्शन हमें इस तरीके से पकड़ लेना है एंड यहाँ पर राइट साइड से टकिंग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो नवा से चार अंगुल राइट में भी जाकर टक कर सकती हैं। तो देखिए, पहले मैंने राइट में टक किया, फिर लेफ्ट में एंड फिर फ्रंट में। तो इस तरीके से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग हमें सामने के पार्ट को टकिंग करने के बाद साड़ी को लेते हुए वन राउंड लेना है। सामने की तरफ थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए मैं टकिंग कर रही हूँ। इसके बाद बैक के पार्ट को अच्छे से हम पेटीकोट में टकिंग करेंगे। सो इस तरीके से हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग ईजिली से कंप्लीट हो जाती है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सो ये वाला पार्ट हमारा पल्लू है, बाकी साड़ी को सामने छोड़ना है। केवल पल्लू वाले पोर्शन को देखिए, इस तरीके से बैक से घुमाते हुए हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। आप देख रही हैं, अब यहाँ पर लेफ्ट वाले हैंड के फैब्रिक को छोड़ेंगे और पल्लू के दूसरे कॉर्नर को हम लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। सो इस तरीके से हमारा पल्लू सामने आ जाएगा एंड यहाँ पर देखिए, पहले स्मॉल फिंगर और थंब से मैंने पल्लू के कॉर्नर को पकड़ा है, फिर सामने की टू फिंगर में कैंची की तरह करते हुए इस तरीके से साड़ी को वन बाय वन फंसाते हुए हम प्लीट बनाएंगे। सो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लीट बना सकती हैं, बट जो फर्स्ट प्लीट होगी वो आपकी हाफ इंच चौड़ी होगी एंड जो लास्ट वाली प्लीट का डायरेक्शन है वो देखिए मेरा राइट की तरफ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लीट को बनाना है। सो यहाँ पर प्लीट बन जाने के बाद इन्हें अच्छे से पकड़ लेंगे। अब देखिएगा, अपने हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है आपको और थोड़ा सा शेक करना है। आप देख रही हैं, इस तरह से शेक करने से हमारी जो प्लीट है हमें अच्छे से नज़र आती हैं। एक बार में हम देखिए शोल्डर की प्लीट्स को नहीं अरेंज कर रहे, थोड़ी सी दूरी पर मैं साइड से वन बाई वन छटकते हुए इन प्लीट को अरेंज कर रही हूँ, जितनी दूर मुझे प्लीट नज़र आ रही थी। सो इतना पार्ट रेडी हो गया है। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखेंगे एंड यहाँ पर देखिएगा, आराम से आपको लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखना है, आगे फैब्रिक को लेकर आना है एंड अब हम अपने देखिए जो लेफ्ट हैंड से पल्लू की प्लीट्स को पकड़े उसे छोड़ देंगे और सामने दोनों हैंड की हेल्प से इजीली से हम इन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अब अरेंज कर लेंगे। जो ऊपर से प्लीट आ रही है ना, उन्हीं को मैं अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारी प्लीट कितनी ईजिली से अरेंज हो चुकी है। अब वापस से लेफ्ट वाले शोल्डर पर रखते हुए पल्लू की लेंथ को चेक करनी है हमें, कितना लॉन्ग रखना है। तो मैं यहाँ पर घुटने से नीचे रखी हूँ। इसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से अपने ब्लाउज के शोल्डर में हम पल्लू को सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग होती है ना, हमेशा आपको उसके एक या दो इंच बैक में जाकर सेफ्टी पिन लगाना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरीके से सेफ्टी पिन लगा रही हूँ। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए सेफ्टी पिन को लगाए, हमेशा शोल्डर के एक या दो इंच बैक में लगाए, सामने और शोल्डर के ऊपर ना लगाए, नहीं तो पल्लू सामने की तरफ गिरता है। पल्लू अच्छे से सिक्योर हो जाने के बाद देखिए, जो पल्लू का सामने का अंदर वाला बॉर्डर है इसको अपने बस्ट एरिया पे सेट करते हुए बैक से घुमाते हुए यहाँ पर देखिएगा, हम कुछ फैब्रिक को इस तरीके से राइट हैंड साइड तक ले जाते हुए मेज़र करेंगे। इतना फैब्रिक मेज़र करने के बाद हम इसके आगे से प्लीट बनाएंगे। उतना फैब्रिक हमें टाइट फिटिंग करने में साड़ी को यूज़ करना होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं साड़ी के फैब्रिक को झटक रही हूँ और स्मॉल फिंगर थंब से पहले मैंने साड़ी को पकड़ा और फिर सामने की टू फिंगर में कैंची की तरफ फंसाया है। इसके बाद हम वन बाय वन प्लीट बनाएंगे। सो इस तरीके से इजीली से प्लीट्स बन जाती है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इजीली से बना सकती हैं। मैंने कई बार राइट हैंड से दिखा रखा है, आज मैं लेफ्ट हैंड से दिखा रही हूँ। काफ़ी सारे लोग लेफ्ट हैंड वाले भी होते हैं जो राइट हैंड से प्लीट नहीं बना पाते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, हमें थोड़ा सा राइट तक ओपन करना है। इसके बाद हम सभी साड़ियों के यहाँ पर प्लीट्स बना लिए हैं। अब देख रही हैं, अब इसका जो डायरेक्शन है वो हमें लेफ्ट की तरफ करना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कमर में टकिंग कर रही हूँ ताकि मैं अपनी प्लीट्स को इजीली से सेट कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको झटकना होगा ताकि प्लीट्स नीचे तक बैठ जाए। इसके बाद यहाँ ऊपर से हम देखिए अरेंज करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए, यानी कि आपकी प्लीट्स अच्छे से नज़र आए। आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। अब फर्स्ट प्लीट को ओपन करेंगे, राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम फर्स्ट प्लीट को चौड़ी करेंगे। सो यहाँ पर आप देख रही हैं, फर्स्ट प्लीट कभी भी आपको चौड़ी रखनी होती है, नहीं तो बाकी की प्लीट से दूर भागने लगती है। सो इस तरीके से प्लीट्स बन जाने के बाद इन्हें हम अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि ये छूटे ना एंड थोड़ा सा चेक कर रही हूँ मैं। अब देखिएगा, इन प्लीट्स को अच्छे से पकड़ने के बाद यहाँ पर हम वन बाई वन इन प्लीट को इस तरीके से थोड़ा सा झटक देंगे ताकि एक भी प्लीट्स हमारी अंदर दबी हो तो हमें पता चल जाए। अब हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। सो यहीं पर मैं फाइनली साइड से वन बाई वन अपनी प्लीट्स को अरेंज करूँगी, साइड से हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए। अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए अपनी प्लीट्स को देखिए इस तरीके से
ये देखिए ये फर्स्ट प्लीट आपकी छूटनी नहीं चाहिए, इस तरीके से पकड़ते हो अच्छे से टकिंग करना है। टक करके थोड़ा सा चेक करेंगे ताकि प्लीट्स अंदर तक चली जाए। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटाकर आप चाहे तो एक सेफ्टी पिन लगा सकती हैं, बट मैं केवल एक सेफ्टी पिन से दिखाऊंगी। सो यहाँ पर देखिए राइट साइड का जो ओपन पार्ट था ना उसे मैं और ओपन करूँ जिसमें हमारा हैंड जा सके, और ऊपर जो ये प्लीट है ना इसे पकड़ रही हूँ मैं ताकि वो खुले ना। अब हम शोल्डर की प्लीट्स पर आएंगे और जो अंदर वाला बॉर्डर है एकदम अच्छे से आपको जहाँ भी सेट करना हो ना सेट करते हुए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को सामने लेकर आइएगा। कमर के पास इस फैब्रिक को आपको अच्छे से सेट करना है ताकि आपका बॉर्डर मुड़े ना। अब यहाँ देखिए राइट साइड की तरफ जो हमने फैब्रिक ओपन किया था वहाँ राइट वाले हैंड को इंसर्ट करूँगी, एंड यहाँ पर देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको राइट वाले हैंड से पकड़ते हुए हम राइट हैंड की तरफ खींचेंगे। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो सामने की प्लीट है ना कमर वाली आपको इन्हें पकड़े रहना ताकि वो खुले ना। इसके बाद ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल कर आता है ना इसी को हमें सेट करना होता है राइट हैंड साइड की तरफ खींच कर। देखिए ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद कमर में हम टकिंग करेंगे। अब ये हमारी खुलेगी नहीं टकिंग, और ये जो सामने की प्लीट थोड़ी सी बिगड़ गई इन्हें भी आपको ठीक कर लेना है। अब देखिए हिप वाला पोर्शन फिटेड हो गया। अब ये जो ऊपर का ओपन पार्ट हमारा रह गया इसे भी हम अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। सो इस तरीके से देखिए हमारा जो प्लीट्स है कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब ये पल्लू से कवर हो जाता है, एंड यहाँ पर जो साइड की प्लीटें हैं ना इन्हें आपको इस तरीके से थोड़ा सा सेट करना होता है, एंड इसके बाद से आप देख सकती हैं हमारा फाइनल लुक जो है कम्प्लीट हो गया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।